नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से में। दोस्तों, नवरात्रि का नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। नवरात्रि के आखिरी तीन दिन जो होते हैं वो माता सरस्वती को समर्पित होते हैं और माँ सिद्धिदात्री सरस्वती का ही एक रूप हैं। और सिद्धिदात्री, जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है, ये सिद्धियों को देने वाली माता मानी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में और भी कई ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। देवी पुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव को इनकी कृपा से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। इनकी कृपा की वजह से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम से पुकारा जाता है। देवी सिद्धात्री का वाहन सिंह है। इनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें बाईं ओर की एक भुजा में कमल का पुष्प तथा दूसरी भुजा में शंख है। वहीं दाहिनी ओर की एक भुजा में गदा एवं दूसरी भुजा में चक्र विराजमान है। धरा पर दैत्यों के अत्याचारों को नष्ट करने के लिए तथा मानव के कल्याण व धर्म की रक्षा हेतु माँ सरस्वती दुर्गा नवरात्रि के नवे दिन सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न होती हैं। ये माँ का विग्रह संपूर्णता व समृद्धि का प्रतीक है, जो सभी प्रकार के दैत्यों का दमन करके प्रत्येक भक्त को वांछित परिणाम देने वाली हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक संपूर्ण अभिमानी दैत्यों का माँ भगवती दुर्गा द्वारा वध कर दिया जाता है, जिससे देवता व मनुष्यों के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन को देवी सिद्धिदात्री के दिन के रूप में पूरे जगत में ख्याति प्राप्त है और देवी देवताओं सहित अपने भक्तों की मनवांछित मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए इस दिन देवी सिद्धिदात्री का अवतरण होता है। जी हाँ, मनुष्य के लिए परम कल्याणी है माँ, उनको मोक्ष प्रदान करती है। मानव का परम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति और माँ सिद्धिदात्री मोक्ष प्रदान करती है, इसीलिए उनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नव दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है, जो श्वेत वस्त्रों में महाज्ञान और मधुर स्वर से भक्तों को सम्मोहित करती हैं। अगर भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण निष्ठा भाव से नवरात्रि के नौवे दिन पूजा करता है तो ये भक्त सभी आठों सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे भक्त के लिए ब्रह्मांड में कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। वहीं उपाख्यानों में ये भी लिखा है कि माँ सिद्धिदात्री भक्तों की 26 विभिन्न इच्छाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के नौवे दिन माँ दुर्गा के रूप सिद्धिदात्री को बड़े नियम के साथ पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री के इस स्वरूप की पूजा समस्त मानव, गंधर्व और समस्त देवी देवताओं के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में इनको पूजा जाता है। इनकी पूजा से अष्ट सिद्धियों और नव विधियों का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए भक्तगण पूरे विधि विधान से अपने परिवार के साथ अपने परिवार की मनोकामनाएं सिद्ध करने के लिए इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पूरी पवित्रता का ध्यान रखते हुए संयम व ब्रह्मचर्य के पालन का भी महत्व होता है। पूजन की सामग्री पूर्व की तरह ही रहेगी। सुगंधित पुष्प, नैवेद्य में खीर व हलवे का प्रसाद तथा श्रीफल चढ़ाने का विशेष विधान है तथा विधि विधान से पूजा करने के बाद हवन भी किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक देवी के निमित्त एक कन्या, इस प्रकार 9 कन्याओं का और एक बालक का पूजन करें, उन्हें भोजन खिलाएं और जो बन सकें उन्हें दक्षिणा दान करें। इस प्रकार करके श्रद्धा सहित पूजन को संपन्न करें, जिससे वांछित फल प्राप्त होते हैं। माँ की कृपा से इस संसार में भक्तों के जीवन में सुख शांति आती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। माँ अपने भक्तों के मनवांछित मनोकामनाओं को तो पूर्ण करती ही हैं, इसके साथ ही वो कई और तरह के भय को, कष्टों को भी दूर करने के लिए जानी जाती हैं। जी हाँ, उनकी मुद्राओं से स्पष्ट होता है
कि वो भय को दूर करती है, रोगों को दूर करती है और अत्यंत कल्याणकारी होती है। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा समस्त देवतागण, गंधर्व, मानव और पूरे ब्रह्मांड में की जाती है। आपको ये कथा कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे शोज पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।